बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आप अपने मोबाइल के अंदर अपने जीमेल की टू वेरिफिकेशन को ऑन करना चाहते हो, कैसे कर सकते हो, सिंपल सा एक तरीका बता देता हूँ। आपको काफ़ी ज़्यादा वीडियोस यूट्यूब पर मिलेंगी जहाँ पे आपको यहाँ मुख्तलिफ तरीके बताए होंगे, बड़ी लंबी वीडियोस होंगी। तो आज जो वीडियो है ओनली 2 मिनट्स के अंदर आपको बता देता हूँ कि कैसे आपने अपनी टू वेरिफिकेशन को ऑन करना है, ठीक है। वो कैसे करना है, आप अपने गूगल में अपने यूट्यूब को ओपन करके वहाँ पर भी कर सकते हो, YT को ओपन करके वहाँ पर भी कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, क्यों करते हो, क्योंकि यूट्यूब भी अलाउ करता है कि आप अपनी अपने चैनल को सिक्योर करें, ठीक है। उसके लिए आपने सबसे पहले क्या कौन सा करना है, अपने जीमेल को ओपन कर लेना है। उसके बाद आप अपने उस लोगो पे क्लिक कर लोगे जो आप जीमेल पे है, सारे जीमेल आपके पास ओपन हो जाएंगे। जिस जीमेल पर आपका यूट्यूब बना हुआ है उसकी टू वेरिफिकेशन नहीं हुई तो वो आप लाजमी कर लोगे। यहाँ पे मैं इसी जीमेल को ओपन करने के बाद आपको ऑप्शन नजर आ रहा है गूगल अकाउंट्स का, जल्दी से यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे यहाँ पे मुख्तलिफ तरीके आपके पास आ जाए। यहाँ पे सिक्योरिटी का ऑप्शन है, सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करो। सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो टू वेरिफिकेशन, आप यहाँ पे मेरी देख सकते हो कि ऑफ है। तो आप इसे कैसे करोगे ऑन, इसको क्लिक करोगे। इसको क्लिक करने के बाद आपके पास एक और पेज ओपन होगा। ओपन होने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करोगे तो इसका पासवर्ड आपने दे देना है जो आपने जीमेल का रखा। ये देख सकते हो मैंने अपने जीमेल का पासवर्ड दे दिया है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो ये मेरी आ चुकी है यहाँ पे। ये तो मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे मेरा नंबर है। नंबर के बाद यहाँ पे मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक कोड आएगा जो मैं यहाँ पे पुट करके अपने टू वेरिफिकेशन को ऑन कर सकता हूँ। जैसे मुझे कोड रिसीव होता है, ये देख सकते हो ऊपर मुझे कोड रिसीव हो चुका है। तो यहाँ पे मैं अपने कोड को लगा कर यहाँ पे नेक्स्ट पे कर देता हूँ क्लिक। जैसे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो मेरी टर्न एंड और टू वेरिफिकेशन ऑन हो चुकी है सारी। यहाँ पे देख सकते हो अगर मैं अब बैक जाऊँ, बैक जाने के बाद दोस्तों देखिए मैं अब अपनी टर्म टू वेरिफिकेशन को देखना चाहता हूँ। इसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर देता हूँ। यहाँ पर रिफ्रेश करने के बाद यहाँ तो यहाँ पे देख सकते हो कि मेरी यहाँ पे थोड़ी सी और सेटिंग थी और मैंने ऑन करना था तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई जिसकी वजह से नहीं हुई, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो मेरी टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन हो चुकी है। तो जब आप ये कर लोगे, यूट्यूब की ये भी रिक्वायरमेंट होती है कि आपने अपने टू वेरिफिकेशन को ऑन करनी होती है। छोटी सी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए।